Good morning, Rajanji. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Very happy morning. देखो आपकी आवाज कितने बढ़िया हो रहे हैं. मॉर्निंग में हैप्पी मॉर्निंग नहीं होती थी, स्ट्रगल होती थी. सर आपको देख के एकदम हम लोग खुश हो जाते हैं और मॉर्निंग और हैप्पी हो जाती है. वेरी नाइस सर, यू आर द बेस्ट एंड वी आर आल्सो द बेस्ट. हम सब बेस्ट है यहां पे. वी आर ऑल द बेस्ट. यस ओके. कोई कुछ, समबडी वुड लाइक टू शेयर समथिंग, किसको अगर कोई बात शेयर करनी है. Anybody would like to share something? So, something आपने जो last 10 दिनों में कुछ तो भी सीखा आपने. So, please remember, आपने अपनी notes बनानी है. अगर आप notes नहीं बना रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भूल जाओगे आपने क्या क्या सीखा. बहुत सारी techniques हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको अच्छी लगेगी. Please note them down. You have to have some notes. Anybody would like to share something? about the notes that they are making, or about some games they are implementing. देखो ये सब हम जो games खेल रहे हैं उसका games का मतलब तो आपको पता ही है कि जब हम कोई game खेलते हैं तो हमारा mind का resistance कम हो जाता है. हमारा mind को क्या लगता है कि हम एक game खेल रहे हैं. पूरी शक्ति हमारे माइंड के अंदर है, उसको अगर आपको फुल्ली यूटिलाइज करना है तो इस दिमाग को बेवकूफ बनाने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे. तो लास्ट 10 दिन तक हम ऐसे ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे हमारा माइंड को लगता है हम एक गेम खेल रहे हैं. ओके, एनीबडी वुड लाइक टू शेयर समथिंग? Let us summarize the game that we have played. Okay. Okay, everybody just tell me kaun si games khele humne. Day 1, day 2, day 3. Haan ji?
ओपोनोपोनो ओके एक गेम खेले हमने हो ओपोनोपोनो और कौन सा गेम खेला ईएफटी ईएफटी टेक्निक ओके वेरी नाइस और क्या खेला 369 ओके 369 हाँ जी और अफर्मेशंस की गेम खेले वेरी पावरफुल गेम ओके नेक्स्ट मनी चेक मैजिक चेक मैजिक चेक वाली गेम के लिए यस ओके फॉरगिवनेस साधना फॉरगिवनेस गेम हम साधना नहीं कहेंगे देखो साधना कहे ना थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाता है तो हम उसको नाम क्या देंगे फॉरगिवनेस की गेम खेलते चल यार अपन आज एक आधे दो चार लोगों को फॉरगिव करते हैं लेट्स प्ले द गेम यार आज हम फॉरगिवनेस गेम खेलेंगे नाउ हाउ इट साउंड्स फॉरगिवनेस साधना एक भारी भरकम नाम लगता है पर जब हम कहते हैं कि लेट्स प्ले द फॉरगिवनेस गेम गेम का नाम देने से हमारा माइंड उसको लाइटली ले लेता है चल यार कोई बड़ी बात चल ना गेम खेलते एक आधे दो चार लोगों को माफ कर देते हैं आर यू गेटिंग द डिफरेंस ओके नेक्स्ट और कौन सी गेम खेली गोल राइटिंग यस दैट इज द फर्स्ट गेम दैट यू हैव टू प्ले अगर आपने अपने गोल्स लिखे नहीं भले छोटे गोल रहेंगे कुछ भी रहेंगे तो बना दो गोल अपने क्योंकि बिना गोल के यू विल गो गोल गोल बिना गोल के आप गोल गोल घूम जाओगे गोल गोल घूमते रहो कुछ नहीं सुबह से उठे क्या करना क्या नहीं चलता रहेगा पर अगर आपका गोल है तो ही आप यू विल रीच द डेस्टिनेशन प्लीज अंडरस्टैंड दिस इफ यू हैव नो गोल्स यू विल गो गोल गोल ओके और कौन सा गेम खेला गुड मॉर्निंग सर सुप्रभात हाँ जी और कौन सा गेम खेला गुड मॉर्निंग सर हाँ जी द वॉलेट गेम खेले हमने वॉलेट के अंदर 10,000 रुपये रखने हैं और वो 10,000 रुपये रियल रखने हैं ठीक है और उसके बाद में दिन भरे में उसको 10 बार 20 बार 50 बार उसको यूज करने वर्चुअली तो अब क्या हो गया अब ये एक स्टेप फॉरवर्ड हो गया हमारे पर्स में तो 10,000 रुपये हैं पर उसको बार बार रिपीटेटिवली उसको खर्चा करना है या समझो आपके पास 1,00,000 रुपया है तो 1,00,000 रुपये की भी गेम खेल सकते हैं उसमें कोई रूल्स नहीं है 1,00,000 रुपया रियल 1,00,000 रुपया रखना है अपने अपने पर्स में और दिन भर जो भी चीज पसंद आवे पहला शब्द आप क्या बोलोगे आपको कोई चीज पसंद आई तो आप क्या बोलोगे I can afford it समझ में आ रहा है उसको पहले अरे यार बहुत महंगी है वो सब में मत जाना डोंट गो इनटू महंगी है मेरे कुछ काम की नहीं पसंद आई आई कैन अफोर्ड इट ये कोई बात उसकी वजह ये है क्योंकि हमने इतनी सारी बात अपने आप को बोल दिया है आई कैन नॉट अफोर्ड इट ये अच्छी नहीं है मजा नहीं इस मतलब तो थोड़ा महंगा है उसको हमने क्रिटिसाइज किया है तो इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग जस्ट से द वर्ड टू योर माइंड टू योर सेल्फ आई कैन अफोर्ड इट I can afford it. मैं ले सकता हूँ इसको कोई बड़ी बात नहीं मैं तो मतलब मैं खरीद सकता हूँ उसमें कुछ देखिए टोनी रॉबिन्स बता रहे थे कि वो जब बिल गेट्स के घर पे गए तो उन्होंने एक पेंटिंग देखी पेंटिंग उसे पता है कितने रुपए की पेंटिंग थी वो मैंने लिखा है कहीं तो भी दैट पेंटिंग वॉज अबाउट 400 crores 400 crore की पेंटिंग थी बिल गेट्स के घर पे जब टोनी रॉबिन्स उसके घर पे गए थे टोनी रॉबिन्स ने खुद बताया है और आई थिंक उनका एग्जाम में भी देखा मैंने सुना था वर्कशॉप में तो बताया था 400 करोड़ की पेंटिंग थी वो एग्जैक्ट फिगर भी मेरे पास लिखा हुआ है अब उस पेंटिंग में कुछ नहीं था खाली लाल कलर का कैन यू बिलीव दिस अब हम क्या बोलेंगे बहुत महंगी है यार ये तो नहीं हम कहेंगे आई कैन अफोर्ड इट 400 करोड़ की पेंटिंग यस बिकॉज वी आर प्लेइंग अ गेम राइट ओके और
अबंडेंस गेम वो कैसे खेलते हैं सर? वो इमेजिन करने कि हमारे पास सपोज कुछ रुपए हैं एंड वो डिपॉजिट करना है पेन स्लिप बुक बैंक का पेन स्लिप लेकर. आई एम कैश रिच, आई एम अबंडेंस. मैं भी बनाते रहता हूँ, भूल जाता हूँ. सो द गेम का नाम है अबंडेंस गेम है. या तो आप बोल सकते हैं आई एम कैश रिच. उसके अंदर आपने रोज थोड़े ज्यादा पैसे डिपॉजिट करना है, स्लिप लेनी है, एक बॉक्स बना दो घर में. See, these are all the creative games people are playing around the world. अब आप इसको बेवकूफी मत समझना. People around the world are playing this type of game. उसकी वजह सिंपल है. उसकी सब वजह ये है. Your mind doesn't understand what is real. जो भी आप अपने mind को बोलोगे, वो उसको मान लेगा. और जो भी आप repeatedly, repetition बोलते जाओगे, आपका माइंड बिलीव कर देगा. अब आप हमेशा क्या बोलते हैं, अरे ये तो बहुत महंगा है, अरे मेरे कुछ काम का नहीं, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नो 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 नो. अब हम क्या कर रहे हैं, यस करते जा रहे हैं. ओके, और कौन सी गेम के लिए सर? रिप्लेस सॉरी बाय थैंक यू. यस, द थैंक यू गेम. थैंक यू गेम के अंदर हम सॉरी नहीं बोलते हैं, क्योंकि जितनी बार भी सॉरी बोलते हैं हमें अफसोस होने लगता है. वी स्टार्ट सेइंग टू अवरसेल्फ, आई एम नॉट गुड इनफ. तो हम क्या करते हैं, थैंक यू करते रहते हैं, थैंक यू. अदरवाइज हम क्या करते हैं, हमको क्या सिखाया गया है, सॉरी बोलो बेटा, सॉरी बोलो. अब हमने सॉरी बोलना बंद कर दिया है, राइट? हमने अब सॉरी बोलना बंद कर दिया है. सो वी डोंट नॉट, वी ट्राई टू रिप्लेस इट बाय द टर्म थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू फॉर योर अनकंडीशनल लव, थैंक यू करते जाते हैं. ओके, और स्टार्ट स्पेंडिंग मनी ऑन योरसेल्फ. हाँ जी, स्टार्ट स्पेंडिंग मनी ऑन योरसेल्फ, लव योरसेल्फ. स्पेंडिंग मनी ऑन योरसेल्फ वाली गेम के लिए हमने, and we will not feel guilty. Spending money, loving yourself game है वो. Actually उसका नाम नहीं दिया मैंने, but we can give a name, उसका नामकरण कर लेते हैं, loving yourself game. उसका मतलब है spend money on yourself without any guilt. Pamper yourself game. Pamper yourself game में अगर आप normally 2000 रुपये का shirt पहनते हैं, तो आपने 5000 रुपये का shirt पहन लेना है. आपने 5000 रुपए का शर्ट पहन लाना है. आर यू गेटिंग दिस? इट इज द पेम्पर योरसेल्फ गेम. आई राइट दिस डाउन, पेम्पर योरसेल्फ गेम. फर्स्ट वी डिड मैजिक चेक. मैजिक चेक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. 369 का थोड़ा ब्रीफ में सर वन मोर थिंग वी लर्न अबंडेंस डांस. 369 का रिपीट करेंगे प्लीज? नहीं, अभी नहीं कर सकते हैं, आपको वीडियो देखना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग थोड़े आगे निकल रहे हैं. इसलिए नहीं, क्योंकि कौन सी डेट का है, वीडियो की डेट बताएंगे. अबंडेंस डांस, यस, वो वाली गेम खेलनी बाकी है, तो वो भी हम, यस, आई विल जस्ट, देखो मैं क्या कर रहा हूँ. जैसे हमने बता दिया था, लव योरसेल्फ गेम, स्पेंड मनी. Pamper yourself game. Sir, arigato in, arigato out. Arigato in, arigato out. Yes, thank you very much. बहुत बढ़िया game. Okay, what else? Appreciate yourself. Appreciation game. Okay, appreciation game के अंदर आज सभी लोगों ने randomly अनजान इंसान को, अनजान आदमी को appreciate करना है. जैसे कि आप लिफ्ट में जा रहे हैं, तो आपने किसी की तारीफ कर दी, बढ़िया शर्ट है, बढ़िया पर्स है. Okay, so this is a nice game. आज हम
आज रैंडमली किसी को भी हम अप्रिशिएट करेंगे, आज हम रैंडमली किसी को भी अप्रिशिएट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट देंगे किसी को भी, ओके? तो जैसे कि आप रास्ते में चल रहे हो, आप उस इंसान को नहीं जानते हैं और आपने उसकी कुछ ना कुछ तारीफ कर दी है, अरे आज बहुत बहुत स्मार्ट दिख रहा तू, क्या नाम है तेरा? जस्ट प्ले दिस गेम, आई एम टेलिंग यू इट्स एन अमेजिंग गेम, बट रैंडमली So please repeat the game again. I just missed out. So okay, so we are going to play the appreciation game. Okay, appreciation game में क्या होता है कि आपको randomly unknown इंसान को appreciate करना है. Okay, appreciation game. Very nice. Appreciate an unknown person. इसका नाम है appreciation game. Okay, appreciate and unknown person. Okay, anything else? और क्या क्या सीखा हमने? Sir, game of integrity, happiness वाला game. वो उस पे क्या करते हैं? Sir, we feel happy. The fastest completion. Yes, happiness game. मतलब इस game के अंदर हमने क्या करना है? हमें जो भी हमें अच्छा लगता है वो करना है. फॉर एग्जाम्पल किसी को कुकिंग करने को अच्छा लगता है तो यू हैव टू मेक योर नोट. ये नोट में आपको नोटिंग करना है. यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी. दिस इज कॉल्ड सेल्फ हैप्पीनेस गेम. मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू लव. प्लीज यहाँ से भी आवाज आ रही है ना पीछे से, प्लीज म्यूट करें अपने आप को. सर IPPRF. यस दैट इज द अफर्मेशन गेम. वो IPPRF जो गेम थी वो है अफर्मेशन गेम. ओके सर वो सिटी सिटी प्लेस अल्फाबेटिकल वाइज था. A to Z. देखिए आपको मैं और चीज बताता हूँ, ये जरा नोट आप बनाते जाएं, समझ लेना आपके बहुत काम आने वाला है. मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स. ओके स्क्रिप्टिंग वाली गेम खेली थी पहले दिन, मुझे लगता है काफी लोग आए ही नहीं थे कि क्या कैसे भूल गए स्क्रिप्टिंग. हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन द प्लेड द गेम? यस कितने लोगों ने खेली? यस सर आई प्लेड. यस सर कैसा लगा आपको स्क्रिप्टिंग करने के बाद? हां ऐसा लगा सर, एक बार फिर बताएं सर. वेरी नाइस सर. ओके मैं बताता हूं, चलो दोनों सब गेम बता देता हूं. और स्क्रिप्टिंग गेम में आज से 5 साल के बाद आप लिखते हैं जैसे आपकी जिंदगी गई. जैसे मैं आज अभी आपको आज बताऊं कि लास्ट 10 साल के अंदर आपकी जिंदगी में क्या क्या अच्छा हुआ उसका एक लिस्ट बना दें, राइट? तो आप लिख सकते हैं 2012 से लेके 2022 तक जो भी आपके साथ में अच्छी चीजें हुई. तो अब आपने सोचना है आज की तारीख 2032 है और आपने अपनी जिंदगी में क्या क्या अच्छा हुआ उसके बारे में लिखना है प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि वो हो गया है. मैंने काफी डिटेल में समझाया है. यू प्लीज सी अवर डे वन वीडियो आई थिंक. ओके 369 में आपको आपके जो सपने हैं जो भी आपके सपने हैं एक सपने को लेके आपने एक सेंटेंस बनाना है पॉजिटिव स्टेटमेंट में और उसको सुबह सुबह 3 बार लिखना है, दोपहर को 6 बार लिखना है, रात को सोने के पहले 9 बार लिखना है. अब कल रात का मेरा रह गया है 9 टाइम लिखना, अब मैं करूंगा दिन भर में कवर कर दूंगा मैं. इट इज ओके सर. द सेंटेंस टू बी शॉर्ट और इट कैन बी 2 or 3 line सेंटेंसेस. See, always make your sentence short. 2-3 लाइन से ऊपर, क्योंकि आपको लिखने में बहुत कंटाल आ जाता है बाद में. और ये सब चीज हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा माइंड को फोकस लाना है अपना एक शॉर्ट ड्रीम के अंदर. वी वॉन्ट टू फोकस अवर माइंड टू ओनली 1 goal. दिन में 3 बार सुबह सुबह, 6 बार 9 बार, 3 बार 6 बार 9 बार, ये कंटिन्यू करते जाए. मैं आपको बता रहा हूं बहुत बढ़िया गेम है ये. टू जस्ट गिव योर सेल्फ गिव अ ड्रीम अ फोकस. ओके अब मेरे को एक चीज पूछना है. एवरी डे वी हैव टू राइट दिस? या यू हैव टू राइट दिस फॉर एटलीस्ट 21 डेज
at least 21 days. Okay, so okay. Okay. Thank you. Thank you very sir, much. Sir, आपने जो बताया sentence में लिखना है, तो sir जैसे अपने house का dream है, तो उसको छोटे में कैसे लिखेंगे? Okay, चलो ये इनको मैं answer दे देता हूँ उनको. Now she is manifesting a house and how she will play the game of 369. वो लिखेंगी, I am so happy and grateful that I am living in my 5-bedroom house. Thank you, universe. That is one sentence. I am so thankful to the universe. ये second statement मतलब एक और format बताता हूँ. Another format could be, I am so thankful to the universe for aligning to attract my dream 4-bedroom house. I am enjoying the abundance, the financial freedom. Thank you for bringing with it my security and my happiness. Okay. I repeat. समझ में आ रहा है? Present tense में लिखना है. I'm so happy and grateful that I am living in my 4-bedroom new house. Uska furniture acha hai, mujhe bahut acha lag raha hai. I am feeling so proud of me, of my hard work. Thodi aapki tarif bhi dalte hai. But ye sab teen sentence mein karna, zyada lamba choda sentence mat karna. Aur sir, aapka ye sentence mein always there has to be some positive emotions. For example, let me share with you my statement. Maine jo statement banaya hai, wo aisa hai. I am so thankful for the universe aligning with me to attract rupees 100 crores stock portfolio valuations, comma, bringing with it financial freedom, joy, fame, wisdom, and excitement in my life. Mera ye sentence hai. मैंने एक गलती कर दी पहले मैं स्टार्ट कर दी तीन चार दिन हो गया बट यूनिवर्स लिखना भूल गया आई रोट आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस विद गुड लाइक इंटीरियर एक्सटीरियर लवली गार्डन एंड आल्सो हैव अ 4-room फ्लैट इन गुड सोसाइटी इन कोलकाता लाइक आई एम ओके थोड़ा आपकी तारीफ भी कर दे आई एम फीलिंग प्राउड Happy, joyful. मेरा बहुत बढ़िया अपना देखो नया घर खरीदते तो लोग वाह-वाह भी करते हैं तो मेरा fame हो गया. But like after writing home base can I add now? हाँ हाँ ठीक है. I mean देखो मैंने भी एक wisdom वाला जो word था ना वो मैंने अभी 3-2 दिन पहले डाला. मुझे अक्ल आई तभी जाके मैं सोचा तो it's okay. I mean see it is all about feelings. ये इसमें कोई ऐसे ज़्यादा rules नहीं है. Rules hai, you have to feel good first and grateful. Yaad rakhna. But abhi change nahi karna. Okay, one more thing. You can't change the whole concept. Please understand. Ye aap samjho 9 din tak karte rahe, uske baad mein you can start something else. 21 din ke baad you can do something else. Okay. Yeah, but 21 days I can add two. Yeah, just add one or two emotions here and there. That is okay. Okay. Okay, now you're always talking about your house. Okay, anybody else? Sir, only one sentence means only one dream, no? Not more than only one dream. Concept. Only one dream, remember. Okay. Jada dream ko mix nahi karna. Sir, script game ek baar fir se explain kariye. Nahi, abhi thoda time nikal jayega. So maybe again we will repeat this. Okay, any other... three ke video mein hai, wahan se dekh lijiyega. Financial freedom kitna toh bole se zara dobara. Okay, ek game bhul gaye ho aap sab log. Power poses, yes. पावर पोजेस गेम जो एमी कुड़ी ने समझाया था मैंने आपको सबको समझाया था एक पर्टिकुलर पैटर्न में आप खड़े रहोगे सिर्फ 2 मिनट के लिए तो आपके जो बॉडी के अंदर के जो हार्मोन्स हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स वो 20% इंक्रीज हो जाएंगे और कॉर्टिजोल करके जो हार्मोन्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे बाय 25%. अब कॉर्टिजोल हार्मोन क्या करता है आपको डिप्रेशन में लाता है स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो कम हो जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मतलब जो केमिकल्स हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं पॉजिटिव वाले जो हैं वो 20% से बढ़ जाते हैं जिससे आपको अच्छा लगता है यू स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंस यू स्टार्ट टेकिंग मोर रिस्क ये सब फायदे होते हैं जस्ट बाय
स्टैंडिंग इन अ पोजीशन पावर पोजीशन. मैंने आपको अमिताभ बच्चन के फोटो भेजे थे जो अमिताभ बच्चन दीवार पिक्चर में खड़ा रहता है कैसे बैठता है वो. दीज आर पावर पोजेस. योर बॉडी एक्सपांड्स. आपकी बॉडी एक्सपांड होती है और जब बॉडी एक्सपांड होती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाता है. अगर मैं जैसे कोई बड़ा ऑफिसर को मिलने जा रहा हूँ कोई आईएएस ऑफिसर को तो मैं ये सब टेक्निक्स मैं अगर बैठूंगा ना भी तो मैं ऐसे नहीं बैठूंगा. मतलब आई विल नॉट सिट लाइक दिस ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे नहीं बैठना. ये आपका डिप्रेशन की शुरुआत हो गई है. अगर आप किसी को भी मिलने जा रहे हैं एक्सपांड योर बॉडी. ऐसे बैठो तो भी ऐसा दोनों बाजू हाथ रख के ऐसा एक्सपांड करके या ऐसे बैठो थोड़ा. जस्ट डू इट फॉर 2 मिनट्स. लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं. हार्वर्ड स्कूल के अंदर ये सब चीज सिखाते हैं. अब आपको घर बैठे सीखने को मिल रहा है. सीख लो इम्प्लीमेंट कर लो. सर पावर पोजेस फिर से भेज दीजिएगा एक बार. ओके कैन समबडी हेल्प. अपने अपने ग्रुप में भेज दीजिए जरा सब लोग जिनको भी पता है क्योंकि काफी लोग सब नए ज्वाइन हुए हैं. प्लीज सेंड द पावर पोजेस इन अवर ग्रुप. ओके थैंक यू सर. सिर्फ दो बार करने से ये हो जाता है पावर पोज गेम. उसके बाद और कौन सी गेम खेली. टैपिंग गेम. लाफिंग गेम. वाओ टैपिंग. यस लाफिंग गेम खेली हमने संडे के दिन पे. एवरी संडे को हम खेलेंगे लाफिंग गेम. ओके व्हाट एल्स और कौन सी गेम खेली. यू सेड दैट ट्रैम्पोलिन आल्सो ट्रैम्पोलिन जंप. ट्रैम्पोलिन गेम. ओके हम उसका नाम ही दे देंगे ट्रैम्पोलिन गेम. काफी लोगों को समझ में नहीं आया ये ट्रैम्पोलिन क्या है. ट्रैम्पोलिन एक बाजार में चीज मिलती है जहां पर आप खड़े रह के जंप कर सकते हो. छाया को पांव में इतना पेन होता था. अभी की बात बता रही हूँ. मैंने मेरे नागपुर के घर में बंबई के घर में सभी जगह पे रख दिया है. अभी तो मैंने मिराया के लिए हू इज अ 2-year-old गर्ल उसके लिए भी एक छोटा सा ट्रैम्पोलिन आता है जहां एक हैंडल रहता है वो पकड़ के जंप करती है. ट्रैम्पोलिन का फायदा जिनको भी वेरिकोस वेन्स हैं विदाउट दवाई विदाउट पैसे विदाउट डॉक्टर के बिना वो सॉल्व हो जाएगा. छाया सुबह सुबह उठ नहीं पाती थी. मतलब थोड़ा टाइम तक वो चल नहीं पाती थी. उनका इतना पेन होता था बॉय उनके पाँव में. थोड़े दिनों से वो उन्होंने वापस शुरू कर दिया ट्रैम्पोलिन. अभी हम नागपुर 8 दिन रह के आए तो शी स्टार्टेड क्योंकि नागपुर में मेरा घर बड़ा है तो वो ट्रैम्पोलिन हमने वहीं पर रख दिया है. एंड शी स्टार्टेड डूइंग इट एंड शी स्टार्टेड अमेजिंग. मैं आपको बता रहा हूँ आपकी बॉडी फिट रखने के लिए इससे अच्छी एक्सरसाइज कोई हो नहीं सकती है. जिसको हम स्किपिंग भी बोलते हैं. हम स्किपिंग करते हैं ना लेकिन स्किपिंग से ज्यादा. लेकिन सपोज आपके घर में जगह नहीं है नो प्रॉब्लम. आपने क्या करना है स्किपिंग मतलब जैसे हम जंप मारते हैं ना वो करना है. मैं ये गेम को कब खेलता हूँ. बाथरूम में खेलता हूँ. बाथरूम से जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं 10 बार 20 बार 15 बार 20 बार 25 बार ऐसे जंप मार लेता हूँ. उससे मेरा पानी भी निकल जाता है मेरा गेम खेलना भी हो जाता है. तो दिस इज हाउ आई प्ले द ट्रैम्पोलिन गेम. ओके यस्टरडे मैंने आपको थैंक यू स्टिकर्स बोला था. हर किसी ने ये स्टिकर्स को खरीदने हैं. 350 रुपये का मिलता है. अमेजोन की कोई वेबसाइट है वहां पर जाके देखो. अब मेरे सामने मैंने लैपटॉप के ऊपर थैंक यू स्टिकर्स लगा दिए 3. मेरी हर बुक के ऊपर थैंक यू स्टिकर है. ये देखो ये वाला. मेरी हर बुक के ऊपर मैंने थैंक यू स्टिकर्स लगाए हैं. ये देखो मेरी हर ट्रैवल बैग. मेरे पास कम से कम 15-16 ट्रैवल बैग्स हैं क्योंकि हमारा घूमना फिरना बहुत होता है. मैंने मेरी हर बैग के ऊपर थैंक यू स्टिकर लगाया है. थैंक यू स्टिकर का फायदा सिंपल है कि जितनी बार आपका मेरा मोबाइल के पीछे मैंने थैंक यू स्टिकर लगा दिया है. अब होता क्या है अनकॉन्शियसली जब भी मैं थैंक यू स्टिकर देखता हूं मेरे मन में क्या आता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू. आर यू गेटिंग इट. 350 रुपए का इतना बड़ा रोल आता है. Absolutely excellent. Everybody has to buy the thank you stickers.
काफी लोगों ने जो मतलब देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स और लॉट ऑफ पीपल हु डू बिजनेस जैसे पिज्जा डिलीवरी या व्हाटएवर, तो उसके ऊपर थैंक यू स्टिकर लगा के भेजे हैं, थैंक यू करके, थैंक यू फॉर बाइंग, आपने मेरे से मेरा प्रोडक्ट खरीदा उसके लिए थैंक यू, आपने एक थैंक यू स्टिकर लगा के दे दिया। देखो 350 रुपए का इतना बड़ा रोल है, डोंट मिस इट, जस्ट बाय इट और उसको यूज करें। ओके, और कौन सी गेम खेली? कम ऑन फास्ट बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट समथिंग न्यू टुडे। 142 समझ में नहीं आया सर, वो 10 रुपए का नोट वो देने का ना, मनी वाला गेम। हाँ, गिविंग, ओके, गिविंग गिविंग वाला गेम, गिविंग मनी, 1 2 4, ओके, 1 4 2 गेम, अरिगाटो इन अरिगाटो आउट, ओके, वो हो गया हमारा, अरिगाटो इन अरिगाटो, यस, 1 4 2 ब्रीथिंग गेम खेला था हमने, यस, 1 4 2 ब्रीथिंग गेम, सबको याद है ना, 1 4 2 ब्रीथिंग गेम, यस सर, यस, ओके, और कौन सा खेला सर? गिविंग प्लेट, गिविंग प्लेट, ओके, गिविंग गेम जिसमें हमको देना है, ओके, गिविंग प्लेट, ओके, एवरीबडी शुड गो ऑन माय वेबसाइट happyroad.co.in, एक बार आप देख लें, मेलामाइन की प्लेट्स हैं, 3 प्लेट हैं जिसमें हमको, हम किसी के भी घर पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ खाने का सामान लेके जाते हैं, यू गिव इट ऑन अ गिविंग प्लेट एंड यू टेल द पर्सन, भाई ये एक गिविंग प्लेट है जिसकी जर्नी खत्म नहीं होगी, आपने भी इसके ऊपर कुछ अच्छा सा सामान भरना है और उसको फॉरवर्ड करना है आगे। ओके, सो वी आर लर्निंग द गेम ऑफ गिविंग, ओके, एनीथिंग एल्स, व्हाट एल्स, बताइए ना, 1 4 2 ब्रीदिंग, आपको 1 टाइम में ब्रीदिंग करना है, 4 टाइम पे होल्ड करना है, 2 टाइम पे एक्सेल करना है, वो हमने क्लास में की थी, 1 4 2 गेम, ब्रीदिंग गेम, और कौन सी गेम सर? ड्रिंकिंग वाटर कॉन्शियसली, ड्रिंकिंग वाटर गेम, यस, एक हमारा जितना वजन है, हमारा जितना, उसका 5% आपको रोज पानी कॉन्शियसली पीना है, जैसे कि आपका वजन समझो 60 किलोज है तो आपको कम से कम 3 लीटर पानी पीना है, अगर आपका वजन 50 किलो है तो आपने 2.5 लीटर, अगर आपका वजन 70 किलो है तो 3.5 लीटर पानी आपने रोज पीना है, आपका वजन 80 किलो है आपने 4 लीटर पानी कम से कम पीना है, ड्रिंकिंग वाटर गेम, ओके, वंडरफुल, ईएफटी हो गया, ओके, व्हाट एल्स, ड्रिंकिंग वाटर गेम, उसके बाद में giving gratitude to water is also very very effective. Haan ji, giving gratitude to water before drinking, and it is really really very effective. Why game? Why game? आपके जिंदगी में अगर आपको कोई रिजल्ट करना है तो उसका एक why क्रिएट करें, जैसे कि आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए तो आपको क्यों चाहिए, उसका why क्रिएट करें। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके घुटनों में दर्द है, आपका कोई शरीर में बीमारी है, तो आपने वाई गेम खेलना है, आपको ठीक क्यों होना है, बिकॉज जब भी आप उस चीज के बारे में सोचेंगे तो यू स्टार्ट गेटिंग पॉजिटिव फीलिंग। फॉर एग्जांपल, आप बीमार है, आप अस्पताल में है, तो नाउ यू आर प्लेइंग द वाई गेम, वाई गेम में यू विल क्रिएट के आपको वाई क्यों, मतलब आपको ठीक क्यों होना है, तो आपने इसके लिए होना है क्योंकि आपके घर में बेटी की शादी है। Are you getting this? So you just keep on creating why. या आपको आपकी energy levels को क्यों ऊपर लानी है? क्योंकि आपको आपकी बेटी में डांस करना है. Create a why. मैंने मेरी एक रोलेक्स घड़ी को इसके ऐसे अट्रैक्ट की थी, किसी से मुझे पैसे लेने थे तो मैंने सोचा यार ये मेरे पैसे आ जाएंगे, मैं एक रोलेक्स खरीदूंगा, तो अब वो जो दुख हो रहा था ना पैसे नहीं आने का, that got converted into सुख, into happiness, कि मेरे घर में रोलेक्स आने वाली है। This is the why game. Play the why game. Why game? Okay. और क्या, कौन सी गेम खेली? Can we get recording games? Sir, goal cards. Goal card game. Yes, goal card game. उसके बाद में हमने, okay, so actually मेरे पास और भी games हैं. So let us start with our topic because we have invited Alifia Contractors from USA. Who don't game?
ईएफटी गेम खिलाने वाली हैं, ईएफटी. ओके, सो टुडे आवर टॉपिक वाज, आज का टॉपिक क्या था? हेल्थ. नो, द टॉपिक वाज टाइम मैनेजमेंट. द टॉपिक वाज टाइम मैनेजमेंट. कितने लोगों को लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है? जी, टाइम मैनेजमेंट नहीं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड. ओके, नाउ आई विल म्यूट एवरीवन. सो हम बार बार बोलते रहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है. ओके, अब होता क्या है, जितनी बार भी हम बोलते रहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, यू प्लीज अंडरस्टैंड आप क्या बोल रहे हैं. ओके, एवरीबॉडी आराम से अपने आप को पूछे, मेरे पास टाइम नहीं है, उसका क्या मतलब निकलता है? जाने वाली कहाँ जा रहे हैं? ऊपर ऊपर डायरेक्ट. समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं आप? What are you saying? Actually. अब जब बस अब जाने की तैयारी हो रही है मेरी. Never ever use this word. Time नहीं है. देखो सबको समझ में आ गया आज. भरने की तैयारी हो रही है. कल मैंने बताया था ना कैलाश के बारे में, रियल स्टोरी. तुम किसी और की हो जाओगी तो मुश्किल होगी. होगी उसको मुश्किल. ओके, सो टाइम नहीं है, आज के बाद में हम ये वर्ड को नहीं यूज करेंगे. बट फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आया आपके पास और वो आपको बोलता है चलो भाई आज अपन यहाँ चलते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं तुरंत? टाइम नहीं है. पर अब हम क्या बोलेंगे? भाई आज का थोड़ा मेरा शेड्यूल बिजी है, बट पक्का अपन तुम कल चलते हैं या किसी दिन नेक्स्ट टाइम जरूर जाएंगे. आर यू गेटिंग दिस? आपका दोस्त का फोन आया, अरे क्या कर रहा है तू, तो हमेशा तेरे पास टाइम नहीं रहता. आपने बोला मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, पर थोड़ा मेरा आज का शेड्यूल है, मे बी नेक्स्ट टाइम. आर यू गेटिंग द डिफरेंस? सामने वाला बोलेगा अरे तू तो रोज तेरे नाटक रहते थे, कभी भी कुछ भी पूछो ना तेरे पास तो टाइम ही नहीं होता. हाँ यार मैं क्या करूँ, टाइम नहीं है. नहीं, अब हम बोलेंगे अब एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, उसको थोड़ा पूरा कर लूँ, उसको जरा ठिकाने लगा दूँ, उसके बाद में मिलते हैं ना, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है. कीप ऑन टेलिंग योर सेल्फ मेरे पास तो टाइम ही टाइम. घर में शादी है, बिजी हो जाते हैं आदमी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं, अभी घर में शादी है, अभी कुछ बात मत करना, अभी सब शादी के बाद. यू सी द फीलिंग दैट यू आर क्रिएटिंग इज यू डू नॉट हैव टाइम. ओके, सो लेट मी टीच यू अनदर साइंस. ओके, दिस इज अ वेरी वेरी गुड साइंस. बहुत बढ़िया चीज अभी सिखाऊंगा मैं आपको. अभी एक चीज, द लॉ ऑफ टाइम कहता है वर्क एक्सपांड्स to fill the time allotted for its completion. Okay, please write it down. Work expands to fill. मैं ये यहाँ से पढ़ रहा हूँ, बुक के अंदर से पढ़ रहा हूँ. Somebody will share this page. अब ये पेज में क्या लिखा है मैं आपको समझाता हूँ. बहुत बढ़िया चीज है ये. ये मैं आपको बताता हूँ. This is a management. So this is the management technique जो हमको राहुल जैन सर ने जब सिखाई तो मेरी आंखें खुल गई. Work expands to fill the time allotted for its completion. School के अंदर इसको कहते हैं the learning syndrome. उस syndrome का नाम है, मैंने मेरी book 51 secrets of contracting में लिखा है. वो exact word याद नहीं आ रहा मुझे. For example, आप school में थे और स्कूल में टीचर आती है एक दिन और कहती है नेक्स्ट वीक, मतलब आज क्या है ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे यू हैव एन एग्जाम और आपको सभी ने तैयार होके आना है. तो सब बच्चे क्या बोलते हैं, नहीं टीचर 7 दिन में वी कैन नॉट बी रेडी, हम तैयारी नहीं कर सकते, 7 दिन में कैसे करेंगे, पूरा क्लास चिल्लाती है. ओके, दिस इज वॉट आई एम एक्सप्लेनिंग. वर्क एक्सपांड्स, देखो कैसे एक्सपांड होता है. तो टीचर बोलती है ओके फाइन, 15 दिन के बाद में मैं एग्जाम लेती हूँ, राइट? 7 दिन में जब टीचर ने बोला, पूरी क्लास बोली नहीं मैडम ये हो नहीं सकता, 7 दिन के अंदर हम कैसे तैयारी करें, हमारा ये है, हमारा वो है, एक्स वाई जेड. सो नाउ द टीचर एक्सपांड्स,
the time limit. 15 दिन का time frame देती है. Correct? अब मुझे आप बताएं, सब लोग students थे, you were a student one time, please unmute yourself and tell me, आप पढ़ाई लिखाई कब शुरू करते हो? Last minute, before two days. उसके पहले आप तैयारी नहीं करते हैं, पर पूरा 15 दिन तक गाते रहते हैं, मेरी एग्जाम है, मेरी एग्जाम है, मेरी एग्जाम है, मेरी एग्जाम है. Are you getting this? Yes. Are you getting this? So now the जो हमें मैनेजमेंट में सिखाया जाता है, कभी भी आपने टारगेट जो है ना छोटे देने हैं, टाइम लिमिट का टारगेट छोटा देना है. आपने अपने काम को ब्रेक कर देना, जैसा कोई बड़ा काम रहा ना, उसको हम ब्रेक करके छोटे टाइम पीरियड्स देते हैं, एक दिन दो दिन, दैट इज ऑल. क्योंकि आप पढ़ाई तो सिर्फ दो दिन पहले ही करने वाले हो, आपको जिस दिन कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते थे, आपको पहले से पता है रहता है अप्रैल में एग्जाम रहती है. करेक्ट? बट यू विल स्टार्ट स्टडिंग ओनली बिफोर द एग्जाम, टू डेज फोर डेज बिफोर द एग्जाम. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने टारगेट्स बनाते हो, आप अपने अपने टारगेट्स बनाते हो, चार दिन का, मेरे को चार दिन में पूरा करना है, तो आप तीन दिन तक कुछ नहीं करते हैं. यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ओनली वन डे बिफोर, दो घंटे पहले. अब जैसे हमको बाहर घूमने जाना है, पिक्चर देखने जाना है, छाया विल गेट रेडी ओनली एट द लास्ट मोमेंट, और लास्ट मोमेंट पे इतनी ज्यादा घाई होती है कि मैं हमेशा लिफ्ट का बटन दबाता हूँ. Are you getting this? सुबह से मालूम है, सुबह से क्या बोल रहे हैं, पिक्चर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है, पर तैयारी हम करेंगे लास्ट मोमेंट पे. सो ऑलवेज गिव स्मॉल टारगेट्स टू योर क्लाइंट्स, टू योर चिल्ड्रंस, बिकॉज वर्क इज गोइंग टू एक्सपांड. वर्क इज गोइंग टू एक्सपांड इन द टाइम लिमिट व्हाट यू हैव सेट. आपको पता है कि वी आर सच अ गुड मैनेजर्स, वी आर सच अ गुड मैनेजर. किस इंसान की शादी डिले हुई है क्योंकि उसके कपड़े नहीं आए या बाराती नहीं आए? हमने जिस दिन शादी की तय तारीख नक्की की थी, उसी दिन हमारी शादी हुई. किसी की हुई है क्या जिसका मतलब पंडित नहीं आया या बैंड वाला नहीं आया, उसकी वजह से शादी शादी मतलब मैरिज जो है वो पोस्टपोन्ड हो गया? कभी नहीं. कभी सुना है? पर हमारे कपड़े कितनी बार डिले हुए? अगर घर बना रहे तो घर कितना डिले हुआ? फर्नीचर बना रहे तो 2 महीने का टारगेट था, 6 महीने लग गए, बिकॉज देर वॉज नॉट अ कंप्लीशन डेट. देर वॉज नॉट अ कंप्लीशन डेट. आर यू गेटिंग दिस सिंपल साइंस? सो यू विल ऑलवेज हैव टू हैव सम. अब ये आती है वापस इंटेग्रिटी गेम के अंदर. ओके, इंटेग्रिटी के अंदर गेम आ जाती है. सो दिस इज ऑल अबाउट टाइम. मुझे कल सुबह तक ये काम करना है. जैसे अभी तुम्हारा 369 गेम चल रहा है, आपको ये गेम रोज खेलनी है. तो कैसा आपका बढ़िया काम हो रहा है? और अगर यही चीज मैंने आपको बोला कि भाई ये एक सेंटेंस को 100 बार लिखना है अगले 10 दिन के बाद, मतलब आफ्टर ऑन 2nd of May आप ये लिख के लेके आना, तो आप नहीं लिखते, एक दिन पहले लिखना चालू करते हैं. बट अगर कंप्लीशन टाइम पीरियड रहेगा तो बहुत बढ़िया टेक्निक है, ऑलवेज राइट द कंप्लीशन डेट एंड छोटे लिखें. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टाइम. सो लेट मी शेयर यू, क्योंकि आप अगर लंबा टाइम रखोगे आपके काम पूरा करने के लिए, तो दिन भर बिजी रहोगे, दिन भर वो एंजाइटी रहती है, यू नो, मेरे पास बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है. ओके, सो दिस इज गेम नंबर वन. गेम नंबर टू बहुत बढ़िया गेम है ये. हम रोज का टू डू लिस्ट बनाते हैं. देखो, जिनके घर में प्रोग्राम रहता है, फंक्शंस रहते हैं, तो हमको बहुत प्रेशर आ जाता है, राइट? मुझे याद है जब हमारे पहले लड़के की शादी हुई शगुन की, छाया रात को 2-2 बजे 3-3 बजे उठ के कुछ ना कुछ करती रहती थी. कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फुल टेंशन में, ना हंस रही है ना खाना खा रही है, खाना खाने तक भूल गई थी, भूख ही नहीं लगती थी. ऐसा कितने लोगों को हुआ है घर में जब शादी हुई तब, अपने बेटे बेटी की शादी कराई. देखो सुषमा जी हाथ ऊपर कर रहे हैं.
सो दिस इज वेरी नेचुरल कि आपके घर में कोई पार्टी है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं, घर में शादी है, खाना भूल जाते हैं, मन ही नहीं लगता, टेंशन में, अरे भाई घर में शादी है और तुम ही एंजॉय नहीं कर रहे हो। उसके लिए टेक्निक है, हम कौन सी गेम खेलेंगे, टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट ये देखो, बड़े से बड़े जितने भी मैनेजमेंट जे के जो लोग रहते हैं, सक्सेसफुल पीपल, बिजनेसफुल पीपल, दे मेक अ टू डू लिस्ट। अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो आपने आपके दिमाग में जो भी ख्याल आता है उसको लिख लें, देखो आपको तुरंत नींद आ जाएगी। जिनको जिनको नींद का प्रॉब्लम है, विचार आते रहते हैं ना, इसका हैराम, इसका क्या होगा, वो क्या होगा, वो क्या बोलेगा, ओके, जो भी आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं उसको आप लिख लें और फिर सोने की कोशिश करें। फिर वापस नींद नहीं आ रही है तो वापस उठ जाएं, वापस लिखना शुरू कर दें आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है। बहुत अच्छी गेम है, मैं आपको बता रहा हूं, स्लीपिंग गेम उसका नाम रख देते हैं, स्लीपिंग गेम। राइट डाउन योर थॉट्स इफ यू आर नॉट एबल टू स्लीप, ओके। सो नाउ यू मेक अ टू डू लिस्ट। ये एक और देखो, बनते बनते कैसे गेम बन रही है। अब बोलोगे इतनी सारी गेम कैसे आती है, ये बस ऐसे आ जाती है। अभी आ गई एक गेम, स्लीपिंग गेम का नाम है, ओके। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, टू डू लिस्ट बनाएंगे। सुबह सुबह हमारा टू डू लिस्ट बन गया, अब जितना मन ना आवे उतना लिखें, ओके। अब आपने एक और पेजन पेपर लेना है, देखो ये बहुत अच्छी गेम बता रहा हूं मैं, वेरी नाइस गेम खेलने वाले हैं। उस पेज को आधा डिवाइड कर दे, सेंटर में एक लाइन बनाए, सेंटर में एक लाइन बनाए, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे थिंग्स टू डू और आपने अपना नाम लिखना है, ओके। हेडिंग क्या लिखना है, थिंग्स टू डू और आपने अपना नाम लिखना है। उसके बाद में राइट हैंड साइड में आपने लिखना है थिंग्स टू डू यूनिवर्सल मैनेजर। भगवान को ऊपर हम बोलेंगे, भगवान को, बिकॉज एवरी पर्सन, हमारे पास एक मैनेजर है भगवान ने दिया हुआ, हम उसको काम सौंप देंगे। देखो ये माइंड गेम्स हैं। आप बोलोगे क्या होता है, बड़े बड़े लोगों ने किताबों में लिखा है, उस बुक के अंदर ये लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया टेक्निक है। आपने दो पेज, पेज को दो साइड में डिवाइड करना है, एक बाजू अपने जो इंपॉर्टेंट काम है, जो आप करने वाले हो, जो आपसे हो सकते हैं, जो एकदम अर्जेंट है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें, बाकी जितना भी काम है आपने राइट हैंड साइड पे लिखना है, लंबा चौड़ा लिस्ट। अब इससे देखो आपका गेम का फायदा क्या है, आपका दिमाग खाली हो गया, पूरा कागज के ऊपर आ गया, राइट। अब ये तो मेरे ऑटोमेटिक होने वाले हैं, यू विल नॉट बिलीव, आप जो जो उस लिस्ट पे नाम लिखोगे ना, भगवान भरोसे पर, क्योंकि आपने लिखा है, आई एम टेलिंग यू, ऑटोमेटिकली लॉट ऑफ थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ। अब क्योंकि आप एक दिन में इतना काम तो कर नहीं सकते हो, 15 दिन में कर नहीं सकते हो, आपने क्या किया, आपका दिमाग का डेटा इस बुक में डाल दिया। नंबर वन फोकस हो गया, नंबर टू जो अलाउइंग, जो रेजिस्टेंस था, क्योंकि यू आर नॉट फीलिंग गुड ना, क्योंकि इतना सारा काम का बोझ लेके हम टेंशन में घूम रहे थे, चिंता कर रहे थे, फियर, वरी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें हो रही थी, यू स्टार्ट फीलिंग लो, क्योंकि काम का बोझा बहुत भारी है। थिंग्स टू डू बाय द यूनिवर्सल मैनेजर, अब ये सब आपने डेलीगेट कर दिया, आपने उसको डेलीगेट कर दिया, जैसे आपने कोई काम अपने बच्चे को डेलीगेट कर देते हैं, फिर उसका टेंशन निकल जाता है। ये टेक्निक्स हैं, इस्तेमाल करके देखना, यू विल गेट सम अमेजिंग रिजल्ट्स, ट्रस्ट मी, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइटर। Sir, please explain once again that we divide the page on one side, we write things to do by the universal manager. No. Left hand side pe likhenge things to do, jaise main likhunga Rajan Shah. Okay. So things to do by Uma Bhale Rao. Perfect. By doctor likhna bhulna mat. Okay. And on the right hand side, you write things to do by the universal manager. अब आपको इसके अंदर डिवाइड करने हैं आपके काम, ओके।
this is how you play the game. And one more thing. Okay, so I had a lot of things about time management. Maybe we will continue tomorrow before we start, because we have given invited someone. One more game. मैंने आपको बोला था अब आपकी जिंदगी में time की तो बारिश कर देता हूँ मैं. Time ही time है. Okay, how many of you all want 1 month bonus? जैसे हमारे 12 महीने का पीरियड चल रहा है ना, अब हम इसको 13 महीना कर देंगे. तो एक महीना आपको बोनस मिलेगा. उस एक महीने में आपने जो मर्जी आए वो करें. यू आर गोइंग टू क्रिएट, आप अपनी जिंदगी में एक महीना एक्स्ट्रा क्रिएट करना चाहते हो क्या? जैसे 12 महीने है ना इस साल के, अब 13 महीना हो जाएंगे. Yes, I want. I want 13 months. I want that 1 month extra wherein I can enjoy my life. Yes. How are you going to create it? Yes, sir. बहुत simple technique है. देखो, this is all time management. Yes, sir. बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ. आपके बच्चों को जो business कर रहे हैं, आपके husband को जो business कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इस एक महीने का bonus period में आप अपनी जिंदगी जी सकते हो. How you are going to create that 1 month has been written in this book. Simple hai. Aapne roz 2 ghanta pehle uthna hai. Jaise ki aap 8 baje uth rahe hain, main aapko bata raha hu, duniya ke jitne successful log hain, wo sab ye technique use karte hain aur kabhi nahi kehte mere paas time nahi hai. I will just check my schedule and come back to you. Remember, that is the word they use. Let me check my commitments and I'll come back to you. Kabhi nahi bolte time nahi hai. Ab hota kya hai? Maine isko implement kiya hai. Meri life mein time hi time hai. Agar aap subah mein 10 baje office jaate hain, 1 ghanta pehle jaye, 2 ghanta pehle jaye office mein aur aapko kya kya kaam karna hai uska list bana de. आपका स्टाफ नहीं आना चाहिए उस टाइम पे. आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. आपको काम क्या करने हैं आज दिन भर में, पहला काम करें. आई एम टेलिंग यू दिस वर्क्स वंडरफुल. उसके बाद में आपने चिट्ठी बना दी है कि भाई ये काम, ये आदमी को ये काम करना है, ये आदमी को ये काम करना है, इसको ये फोन नंबर कराना है, इतने लोगों के पेमेंट्स कलेक्ट करने हैं, इतने लोगों के पास जाना है मुझे. ये आपने अर्ली मॉर्निंग when you go to the office at least 2 hours early or 1 hour early, क्योंकि उस time पे कोई आपको disturb नहीं करेगा. उसको हम कहते हैं multitasking game. वो अगर मुझे याद करा ना, मैं कल बताऊंगा मैं. अब होता क्या है, ये जो starting के जो अभी, जैसे you are an housewife, it is okay, अभी आपके routine life है, but समझो आपके घर में शादी है या आपके घर में function है या आपको बहुत सारा काम करना है, आप ट्रैवलिंग को जाने वाले हैं, तो इनो कितनी हड़बड़ी होती है आपके दिमाग में. आपने करना क्या है, तुरंत पेपर पेन लेना है, मेक योर टू डू लिस्ट. आज मुझे क्या क्या करना है, ट्रैवल एजेंट को कांटेक्ट करना है, वीजा के लिए जाना है, बैग पैक करनी है, ये कपड़ा लाना है, खाने का ये आइटम लेना है, ये लेना है, ये लेना. जो आपके मन में आए आपकी जर्नल में लिख डाले. बट दिस विल हैपन ओनली अर्ली मॉर्निंग व्हेन द फ्लो ऑफ थॉट्स, मतलब जो विचारों की फैक्ट्री जब फास्ट होती है तब ये काम नहीं हो सकते. जब आपका मन शांत होगा ना तब आपके काम होंगे. ब्रह्म मुहूर्त वाला टाइम आपने कभी भी वेस्ट नहीं करना. प्लीज डू नॉट वेस्ट द ब्रह्म मुहूर्त टाइम. सबसे अच्छा सोचने वाला काम, यू विल नॉट बिलीव, एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, व्हेन आई हैड जॉइन राहुल जैन सर, मैं कम से कम 7 या 8 बार सुबह सुबह मेरे घर से ओबेरा होटल गया, कॉफी शॉप में बैठ के अपना काम कर रहा था. और वो जो मैंने काम किए वो दिन भर में पॉसिबल ही नहीं है. ये बिल गेट्स, वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, उसका एक घर बनाया है जहां कोई नहीं आता. फिर वो अपनी किताबें लेके जाता है, हर 15 दिन में, महीने में एक बार वहां जाता है, अपने सब पेंडिंग काम पूरा कंप्लीट करके आता है. आइसोलेशन. अब आपको आइसोलेशन कब मिलेगा, सुबह 4 बजे. आपका बेटा नहीं उठाएगा, हस्बैंड नहीं उठाएगा, वाइफ नहीं उठाएगी, कुछ नहीं. यू आर फॉर योरसेल्फ एंड थिंकिंग. आपका जो भी प्रोजेक्ट रहेगा उसके बारे में सोचे एंड यू स्टार्ट राइटिंग.
there is one another game which I played jab maine book writing workshop seekhne ko gaya tha. It was a 4-day workshop in Delhi. Kitab kaise likhni, uske upar bhi maine ek workshop liya hai. Uska video I think it is on YouTube or I jo bhi hai wo. Usme unhone humko ek game sikhai thi, kitab kaise likhni, how to start writing a book. How many of you all want to write a book? Yes, I want. किताब लिखनी है यार, अपने अपने नाम की एक किताब तो होनी चाहिए यार, एक आधी किताब तो लिख दो, क्योंकि हमारे पास इतना नॉलेज है कि हम पक्का एक किताब लिख ले. एंड जब किताब लिखते ना तो हमको बहुत अच्छा लगता है. नाउ इफ आई फाइंड 100-200 पीपल आई कैन टेक अ वर्कशॉप ऑन हाउ टू राइट अ बुक. इट विल बी अबाउट 3-4 आवर्स. यस आई वांट, आई वांट. सो आई मीन आई डोंट नो हाउ वी कैन डू इट. ओके, तो उसके सो वी विल कंटिन्यू टुमारो. आई थिंक टाइम निकल गया है. सो जस्ट रिमाइंड मी हाउ टू राइट अ बुक का जो गेम है उसकी शुरुआत कैसे करते हैं. आई विल शेयर टू यू टुमारो. आज आपने 2-3 गेम सीखी हैं, जो भी सीखी है. सर ये वाला थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए. थिंग्स टू बी डन बाय डॉक्टर, थिंग्स टू डू बाय डॉक्टर उमा भरे. गुड मॉर्निंग. Good morning, everyone. Alicia is in USA and she has a night time, so we will keep the time in. Okay. No problem. Her. No problem. Thank you. Sorry. Thank you so much. We welcome. Thank you. So let us all welcome Alicia Contractor. She is one of our participant. और उनको जब हमने ये EFT टेक्निक सिखाई, उन्होंने उसको बढ़िया से बढ़िया इम्प्लीमेंट किया. और क्योंकि वो इम्प्लीमेंट कर पाई, she is now able to guide us also. क्योंकि आप जितना डीप जाओगे उसके अंदर, आप कुछ ना कुछ सीखते जाते हो, सीखते जाते हो. कीप ऑन एडिंग, कीप ऑन एडिंग. और अलेफिया ने शी हैज प्रैक्टिस दिस गेम, मास्टर दिस गेम, इम्प्लीमेंट किया. एंड टुडे आज वो इतनी तैयार हो गई है कि वो आज हम सबको सिखाने वाली है. ओके, थैंक यू एंड वेलकम. वेलकम. Thank you, sir. That's a like overwhelming introduction. So yeah, I try to implement it in a full manner, and I'm doing my sessions every day in the morning with this EFT sessions about for 3-4 months now. So yeah, everybody is getting results. So so everyone, thank you so much for giving me this opportunity to be here today and to explain EFT and to practice EFT with you all for the health today. And then we will continue for different practices every day for next 5 days. So thank you so much, everybody. Thank you. Thank you, Rajan sir. You are amazing. You are our mentor. It's like, मैं हमेशा बोलती हूँ कि राजन सर है, आश्विन मैम है, ये जैसे स्वर्ग में से हम लोगों के लिए भेजे गए एक फरिश्ते हैं. मैं ऐसा बोलती हूँ हमेशा कि आप लोग हमारी लाइफ में एक फरिश्तों की तरह है. डॉक्टर अलका, आप सब लोग, अरविंद सर, एनी, एवरीबडी, ईच वन ऑफ यू. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी. सो आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई लिव इन US विथ माई 2 children एंड माई हस्बैंड. आई बीन लिविंग हियर फॉर 9 years नाउ. एंड मैं भी पहले बहुत दरी दरी सी उस टाइप की लड़की थी, बट अभी दो साल से बहुत ज्यादा ये सारी प्रैक्टिसेस करके कुछ लेवल तक मैंने अपने आप को उठाया है, ऐसा बोल सकते हैं. सो आई एम वेरी वेरी हम्बल्ड एंड वेरी वेरी प्लेजर टू बी हियर टुडे. इट्स माई प्लेजर टू बी हियर टुडे. सो लेट्स स्टार्ट. आई विल शेयर सम ऑफ द PPTs. आई डिडंट हैव मच टाइम टू मेक. One minute, please. Please tell us how long you have been practicing this. हाँ जी हाँ. So I started around in this. आपको benefit क्या मिले? हाँ हाँ. तो I started around in December. तो मैंने EFT थोड़ा थोड़ा किसी के start किया था किसी के साथ. देन मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगा कि ये टेक्निक होती है. जब भी मैं उसको थोड़ी सी भी जब मैं टैपिंग करती हूँ, इट कम्प्लीटली रिलीज माई इमोशंस. यानी मान लो किसी की वजह से मुझे आई एम एंग्री एट सम पॉइंट एंड अंदर से ऐसे इमोशंस आ रहे हैं, यू नो. एंड एट दैट टाइम इफ आई एम टैपिंग एंड इफ आई एम रिलीजिंग माई इमोशंस, आई एम कम्प्लीटली इन अ डिफरेंट रियल्म ऑल टूगेदर वेन एवर आई प्रैक्टिस. तो मैंने खुद ने अपने ऊपर प्रैक्टिस की
जब जब भी कोई नेगेटिविटी में जाती थी आई यूज टू डू दिस एएफटी प्रैक्टिस. फिर मैंने उसको बहुत पढ़ा, जो उसका फाउंडर है गेरी क्रेग, तो उनकी सारी पूरा सर्टिफिकेट कोर्स उन्होंने दिया हुआ है ऑनलाइन. तो मैं पूरी डिटेल में चली गई कि ईएफटी होता क्या है, कैसे उसको करना होता है, किस तरह से हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, या किस तरह से हमें उसका फायदा हो सकता है. तो मैं बहुत उसके डीप में गई. फिर देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग इट ऑन माई सेल्फ. तो उस टाइम पे जनवरी में मेरे हस्बैंड इंडिया में थे एंड आई वॉज हियर ऑल बाय माई सेल्फ एंड आई हैड सम मोमेंट्स वेयर आई रियली नीडेड समबडी, यू नो, लाइक सम नेगेटिव चीजें भी चल रही थी उस टाइम पे कुछ. तो मैंने ईएफटी, मुझे बहुत हेल्प किया उस टाइम पे टू ब्रिंग माई सेल्फ अप अगेन एंड अगेन इन द हाई फ्रिक्वेंसी जोन, जो हमारे सपनों के लिए हमें बहुत चाहिए होता है. कभी कभी जब भी हमारे थॉट प्रोसेस, एक्चुअली ईएफटी क्या करता है, जो हमारी थॉट पैटर्न बनी होती है, जो सालों से बनी हुई है, जिसके वजह से हम रिएक्ट करते हैं कोई भी सिचुएशन के अंदर, या अगर कुछ बॉडी के अंदर है, रिलेशनशिप में है, मनी के मामले में है, तो ऑल द पैटर्न्स आर ऑलवेज प्लेइंग इन अवर माइंड. तो वो पैटर्न्स को हमें तोड़ना होता है एंड ईएफटी इज अ ब्यूटिफुल टेक्निक टू ब्रेक दोज पैटर्न्स एंड रिलीज दोज इमोशंस विच एवर इज देयर टू ब्लॉक अवर एनर्जी चैनल्स. तो इट्स ऑल अबाउट, लाइक ईएफटी इज ऑल अबाउट रिलीजिंग एंड देन क्रिएटिंग अ न्यू स्पेस इन योर सेल्फ सो दैट यू कैन इन्वाइट मोर एंड मोर अबंडेंस, मोर एंड मोर गुडनेस इन टू योर लाइफ. यानी अपने ड्रीम लाइफ की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं, जो भी हमारा ड्रीम है. और ड्रीम लाइफ की तरफ बढ़ने के लिए कभी कभी हम इतने नेगेटिविटी में कभी जाते हैं, तो हमें अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी जोन में लाना होता है. दिस इज अमेजिंग टेक्निक. सो आई हैव बीन ऑल्सो यूजिंग होपोनोपोनो टेक्निक. जब आपने सर लास्ट टाइम जब आपने सेशन लिया था, तब आपने होपोनोपोनो इंट्रोड्यूस किया था, तब से फिर मुझे पता चला कि वी कैन रिपीट इट 108 टाइम्स एंड वी कैन. सो आई व्हाट आई यूज टू डू वाज के मिरर के सामने आई रिपीट दिस फोर मैजिकल डिवाइन सेंटेंसेस एंड उस तरह से वो भी मुझे बहुत काम आया है. बट ईएफटी इज ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल टेक्निक, वेरी ब्यूटिफुल टेक्निक. खाली 5-7 मिनट में तो टैपिंग करके यू कैन रिलीज ऑल योर इमोशंस. दैट्स हाउ अमेजिंग इट इज. सो can I share the screen? Yes, okay. So let me actually share the PPT here. Are you able to see everybody? Yes. Yes. Okay, so एकदम सिंपल तरीके से मुझे आपको समझाना है कि ईएफटी होता क्या है. टू मोर कमिंग फ्रॉम देयर, सी टू मोर बेबीज कमिंग फ्रॉम देयर. ओके, सो इंट्रोडक्शन टू इमोशनल फ्रीडम टेक्निक. ये टेक्निक होती क्या है, जैसे चाइनीज एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर के बारे में सबने सुना होगा कि वो एग्जैक्टली करता क्या है विदाउट नीडल्स. ये जो ईएफटी यानी एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर विथ नीडल्स होता है, यानी नीडल्स के वजह से कहीं ना कहीं पे वो एक पॉइंट्स होते हैं, एक्यूप्रेशर और पंक्चर के पॉइंट्स होते हैं जहां पे नीडल्स इस्तेमाल करके कोई ना कोई डिजीज को वो रिलीज करते हैं, राइट. तो यहाँ पे क्या है, ईएफटी क्या करता है, ईएफटी ये जो हमारे मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर हम टैप करके जो हमारे अंदर जो इमोशनल जो एनर्जी होती है वो रिलीज करने के लिए हम उसको यूज करते हैं. तो पहले जब जैसे गेरी क्रेग, उसका जो फाउंडर है, उसने इनिशियली क्या किया, ही यूज्ड हिज टेक्निक विथ हिज सम ऑफ द पीटीएसडी पेशेंट्स. तो जैसे पीटीएसडी मतलब जो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर होता है, कई लोग जो वॉर वगैरह में जाते हैं तो वो कई रातों भर वो सो नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा उनको वो इमोशनली बहुत हर्ट होते हैं क्योंकि वॉर में से आते, बहुत उन्होंने लाइफ को जाते हुए देखा होता है, बहुत लाशें, मतलब वो बहुत ही बुरी तरह की सिचुएशन से में गुजरते हैं. तो उस टाइम पे उन्होंने ये लोगों के साथ इन्होंने इनिशियली ये टैपिंग पॉइंट्स की प्रैक्टिस की और उन्होंने देखा कि जो थेरापी में जाते हैं, जो लोग जितने सालों से जा रहे हैं थेरापी कुछ नहीं कर पा रही है, जहाँ पे
यहाँ पे वो टैपिंग करने से खाली 3 या 4 सेशन में ही जो जो लोग थे पीटीएसडी वाले जो पेशेंट थे उनकी बिल्कुल इमोशन में बहुत ज्यादा सुधार यानी इम्प्रूवमेंट होता है। और जो लोग वो रात को एकदम से उनको नाइटमेयर्स होते थे या फिर सो नहीं पाते थे वो लोग एकदम से सोने लग गए टैपिंग करने से। उनको एक जो इमोशनल पीस जो होना चाहिए वो धीरे 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 वो अपने अंदर फील करने लगे। एंड दैट्स हाउ दिस ऑल स्टार्टेड। बहुत सारे लोग अभी तो होते हैं जो सर्टिफाइड EFT प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो ये सब कुछ करवाते हैं, बट हमें इवन कोई प्रैक्टिशनर की भी जरूरत नहीं है जब हम उसको पूरी तरह से समझ ले कि एग्जैक्टली हमें करना क्या होता है। तो ये जो प्रेशर पॉइंट्स है जो मेरिडियन पॉइंट्स इसको बोलते हैं EFT की भाषा में, तो ये यहाँ पे मोनालिसा का ये जो पिक्चर है उसमें ये सारे 9 पॉइंट्स बताए गए हैं। तो जैसे ये हेड के एक्चुअली ये क्राउन के ऊपर होता है जो हमारा जो यहाँ पे क्राउन चक्र होता है वहां पे एक पॉइंट होता है, फिर ये 2 आईब्रोज के बीच के अंदर एक पॉइंट है। आप दोनों पे भी कर सकते हो टैपिंग या कोई एक पे भी कर सकते हो। देन जैसे ही यानी ये सारे पॉइंट्स कैसे है कि जहाँ पे हमारा कोई ना कोई जो चैनल है जो नर्व्स होती है वो इसकी एंडिंग होती है वहां पे सारे पॉइंट्स है। तो ये पॉइंट्स पे टैप करने से क्या होता है क्या होता है कि जैसे ही हम टैप करते हैं तो जो एनर्जी का फ्लो जो ब्लॉक हो चुका होता है वो एनर्जी फ्लो करने लगती है बिकॉज ऑफ द इमोशंस। आपने सबने चक्रास के बारे में सुना होगा कि हमारे अंदर 9 चक्रास होते हैं, आई मीन 7 मेजर चक्रास एंड 104 108 अदर चक्रास हमारे अंदर होते हैं। तो चक्रास क्यों ब्लॉक होते हैं? बिकॉज ऑफ अवर इमोशंस। कहीं ना कहीं पे हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं जो भी नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव हमारी जो कंडीशनिंग हुई होती है बचपन से लेके आज तक जो भी हमारी कंडीशनिंग है उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे वो सारे एनर्जी जो चैनल्स होते हैं ब्लॉक हो चुके होते हैं। इसीलिए जो एनर्जी फ्रीली फ्लो होनी चाहिए सारे चक्रास के अंदर वो नहीं होती है। एंड दैट इज द रीजन फॉर डिजीजेज, दैट इज द रीजन फॉर मेनी मेनी थिंग्स इन अवर लाइफ। इसीलिए कहीं ना कहीं पे हमें कुछ नया कुछ करना होता है हम नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दोज लिमिटिंग बिलीव्स या जो भी हमारे अंदर इमोशंस है। एंड EFT अलाउज यू रिलीज दोज इमोशंस विद दिस जो मेरिडियन पॉइंट्स का जो प्रेशर पॉइंट्स भी बोल सकते हैं उसको, वो प्रेशर पॉइंट्स पे टैप करने से हम वो एनर्जी को रिलीज करते जाते हैं। अभी EFT में लेट मी अनदर चेंज द स्लाइड। तो जैसे हम मैंने आपको बोला कि जैसे ब्लॉक्ड एनर्जी है या डिस्टोर्टेड एनर्जी भी बोल सकते हैं वो कहीं ना कहीं पे हमारी बॉडी में कोई ना कोई इलनेस में फिर वापस बन के आती है। आपने कहीं ना कहीं पे सुना होगा कि जैसे कई लोगों को कैंसर हो जाता है तो कहीं ना कहीं पे उनके अंदर कोई रिसेंटमेंट होता है, वो किसी को माफ नहीं कर पाए हैं अपनी लाइफ में या अपने खुद को कभी कभी माफ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कोई ना कोई इलनेस इस तरह से शो अप करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे जैसे चाइनीज हैव बीन टेलिंग अस दिस फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, बहुत टाइम से वो हमें बोलते आए हैं। चाइना में बहुत सारी ऐसी ये प्रैक्टिसेस होती है जहाँ पे वो लोग इस तरह से रिलीज करते हैं एनर्जीज को। और ये सारी जो एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है? हमारे सबकॉन्शियस के अंदर। ये सारी जैसे आज भी सर ने बताया कि सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है। जितना हम रिलीज करते हैं हम इतना ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते जाते हैं, क्योंकि हम उसमें से EFT में हम करते क्या है, हम अपने अपने इमोशंस को फ्रीली पहले फ्लो होने देते हैं कि अगर मैं एंग्री हूं तो मैं अपने एंगर के इमोशन को फ्रीली पहले फ्लो होने देती हूँ एंड देन आई मास्क दैट विथ पॉजिटिव एफर्मेशंस कि हाँ भले वो है तो भी मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, प्यार करती हूँ इवन दो आई हैव दिस इमोशंस। यानी ये बहुत ही बड़ी चीज होती है कि हमारे नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशंस के साथ भी हम अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, पूरी तरह से अपना स्वीकार करते हैं और पूरी तरह से अपने अपने को अंदर से डीपली हम खुद को लव करते हैं, प्यार करते हैं। क्योंकि हम अगर देखने जाए जैसे हम सब लोग एक एनर्जी है, एक सोल जो हम बोलते हैं कि एक डिवाइन सोल है हम सबके अंदर।
बट वो क्यों पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं पे ये सारे ब्लॉकेजेस है और ये सारी प्रोसेस है हमारी कि हम ब्लॉकेजेस को निकालते जाते हैं एंड वी बिकम प्योर एंड प्योर एंड वी मूव टुवर्ड्स अवर ट्रू सेल्फ, जो हम हैं ट्रू सेल्फ जो हमारा है उसकी तरफ हम जाते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिसेस है जो हमें उस सबको निकालने में, अपने आप को प्यूरिफाई करने में मदद करती है। EFT इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक दैट आई अप्लाइड ऑन माय ओन सेल्फ। मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं EFT 3 बार करती हूँ दिन में। जैसे मैं आज की बात करती हूँ कि लाइक मुझे ये यहाँ पे सेशन में आना था, थोड़ा थोड़ा सा नर्वसनेस फील होता था, आई डिड माई EFT। जितना मैं EFT करती गई इतना ही मैं अपने आप को पीसफुल उसमें लेके गई। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट कि कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो EFT साइकोलॉजी भी बोलते हैं, उसके बहुत सारे रिसर्च हुए हैं यहाँ पे US में, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी रिसर्च किया हुआ है, बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं यहाँ पे। और उन्होंने देखा कि जो चीज ना थेरापी कर पाती है, कभी कभी मेडिकल इंटरवेंशन भी नहीं कर पाता, वो सारी चीज EFT ने करके दिखाया है। एंड इतना इजी है EFT करना, बस हमें अपने इमोशनल जो भी हमारे इमोशंस आते हैं उसको फ्रीली पहले हम फ्लो होने देते हैं, फिर उसको रिप्लेस करते हैं और अपने आप को हम बोलते जाते हैं कि हाँ मैं तू जैसी है उस तरह से मैं तुझको एक्सेप्ट करती हूँ। यानी हम सबकॉन्शियस को बार बार बोल रहे हैं कि हाँ इवन दो ऑल दिस डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस इमोशंस आई एम ट्रूली एंड डीपली लव एक्सेप्ट एंड ऑनर माई सेल्फ। अगर वो बोलने में तकलीफ होती है तो हम पहले इनिशियली बोलते कि आई चूज टू, यानी मेरे पास चॉइस है ना, तो मैं चॉइस करती हूँ अपने खुद को जैसी हूँ वैसी ही अपने आप को स्वीकार करने का, अपने आप को प्यार करने का मैं चुनाव करती हूँ। तो इस तरह से हम अपने आप को रीप्रोग्राम करते जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट EFT, दैट्स हाउ वी इरेज एंड वी रीप्रोग्राम द टेप। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि टेप दिखाई हुई है, आप अगर मिरर वर्क भी किया होगा तो हमने मिरर वर्क में भी हम मिरर के सामने कई कई लिमिटिंग बिलीव्स को हम जैसे टेप कर, मतलब वो टेप है वो टेप निकाल के हम फेंकते थे, इसी तरह से EFT में भी सेम चीजें होती है कि जैसे ही हम टैप इन करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो ओल्ड जो टेप हमारे अंदर बनी होती है वो अपने आप रिलीज होती जाती है अपने आप। और EFT में जितना आपको पर्टिकुलर इश्यू, यानी यहाँ पे जैसे अभी मैं करवाऊंगी तो आई विल बी डूइंग अ जनरल EFT, बट जितना आप अपने खुद के लिए अपने खुद के इमोशंस को समझ के अगर आप उस पे टैपिंग करते हो आपको बहुत जल्दी जल्दी उसमें फायदा होने लगेगा। जैसे मैंने किया, मैं कभी कभी जैसे बाहर हूँ मैं कार में हूँ तभी भी मैं कभी कभी EFT कर लेती थी अपने आप को उसी टाइम पे पकड़ के, जहाँ पे मुझे कोई इमोशन आ रहा है उसी टाइम पे उसको मैं रीप्रोग्राम कर देती थी। इस तरह से मैंने आज तक प्रैक्टिस की है। तो एनीबडी कैन डू दिस, इट्स अ वेरी इजी टेक्निक, आई विल शो यू हाउ टू डू इट। वो जस्ट प्रैक्टिस की बात है, अगर आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे आपको खुद को अंदर से ही आंसर मिलते जाएंगे किस तरह से आपको इसके साथ प्रोसीड करना है ये प्रैक्टिस के साथ। तो यहाँ पे वापस ये ब्रेन इमेजरी दिखाई गई है कि आफ्टर 4 सेशन या आफ्टर 8 सेशन आफ्टर 12 सेशन किस तरह से एंजाइटी या ऐसी डिसऑर्डर को ये पूरी तरह से रिलीज कर देता है ये जो टेक्निक है। तो ये सारी कहीं ना कहीं पे रिसर्च में से मैंने ली है कि वो रिसर्च आफ्टर लाइक 4 सेशंस इस तरह से ब्रेन के अंदर चेंजेस होते हैं, फिर आफ्टर 8 सेशन इस तरह से चेंजेस होते हैं। जो ब्रेन इमेजरी वो लेते हैं वहां पे ये सारा कुछ दिखाया गया है। तो दिस इज अ विजुअल कॉर्टेक्स बैक ऑफ द ब्रेन, हमारा जो विजुअल कॉर्टेक्स होता है उसका ये प्रिंट्स ली गई है, इमेज ली गई है ब्रेन के अंदर। तो जो ये पिंक रेड एरिया है दोज आर द एंजाइटी सेंटर्स, और उसको कैसे धीरे 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 बदल के आप देख सकते हो कि पीसफुलनेस में वो धीरे 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 कन्वर्ट होता जाता है जैसे ही हम EFT के जितने सेशंस करते जाते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर इश्यू है तो यू कैन टैप ऑन दैट पर्टिकुलर इश्यू फॉर अबाउट 21 डेज और मे बी 7 डेज। इवन कभी कभी ऐसा होता है कि 2 और 3 सेशन के अंदर भी वो चीज चली जाती है अगर वो इतनी डीप नहीं है तो। अगर कोई कोई चीजें हमारे अंदर डीप होती है तो थोड़े ज्यादा सेशंस हमें करने पड़ते हैं।
yani 5-7 minutes of tapping at 10 minutes of tapping is enough. You don't have to do more than that. So that's about EFT. और यहाँ पे भी वही बात बताई है कि जैसे habitually thinking होती है हमारी emotional problem, तो EFT क्या है? It's an emotional freedom technique. आपको एक emotional freedom देती है पूरी तरह से, क्योंकि वो जो energetic blockages है उसको release करता है and calm your brain down. तो इस तरह से आप एक resourceful mind के और body के state में चले जाते हो, यानी आपका mind, body and spirit को ये हील करने की ये टेक्निक है और उसको अलाइन करने की ये टेक्निक है. सो दैट्स ऑल अबाउट ईएफटी. एंड सो अभी जैसे हेल्थ के बारे में आज हम लोग ईएफटी करेंगे. ओके, सो हेल्थ के बारे में अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें सबको एक बात समझनी है. अगर मुझे, अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे मान लो कोई पेन है या मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, कोई भी तकलीफ है, अगर मुझे डिजीज है कोई भी, तो उसमें क्या है, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है. अगर मेरी लाइफ में कुछ भी आता है वो पूरी तरह से इट्स अ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सेल्फ. कभी कभी हमें लगता है कि कैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, यू नो. कभी कभी बाहर से कुछ ऐसा होता है तो हमें लगता है कि नहीं, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तो कहीं कुछ बाहर से कुछ चीजें आई है. बट believe it or not, I have been practicing and मुझे अभी धीरे धीरे में इतना मुझे समझ में आ गया कि जो कुछ भी मेरे साथ होता है, अगर body के अंदर या बाहर, वो सब मेरे ही emotions की वजह से है, मेरे ही कोई कर्मों की वजह से है, या कुछ ना कुछ, it is always related with me, myself. तो EFT health के बारे में अगर हम आज कर रहे हैं तो health के लिए भी same, हम लोगों को पहले उसकी responsibility लेनी है. सबसे बड़ी बात, सेकंड चीज, जितना आप वो पर्टिकुलर इश्यू है, आपको पता नहीं है कि कौन से इमोशंस है, बट जस्ट गो बैक टू योर लाइफ एंड सी कि कौन कौन से ऐसे इमोशन है या कौन कौन सी ऐसी रिसेंटमेंट है जो मैंने अंदर रखी हुई है, मेरे अंदर, मेरी माइंड के अंदर. अगर थोड़ा कुछ भी आप देख सकते हो तो उसमें जाना है पास्ट के अंदर. एंड देन जब आप EFT करते हो तो वो सारी चीजों को आपको सरफेस पे लाना है. आपके जो डीप इमोशंस है, जब हम EFT करते हैं, दैट कम्स टू द सरफेस एंड आपको ऐसे ही उसको रिलीज करते जाना है. तो जो भी इमोशन उस टाइम पे आते हैं, इसलिए हम जब EFT करते हैं तो कराटे चॉप पॉइंट पे हम क्या करते हैं, दीज आर द कराटे चॉप पॉइंट्स. तो जब हम यहाँ पे टेपिंग करते हैं, तीन बार हम सबकॉन्शियस को बताते हैं कि हम आज ये वाले इश्यू पे काम करेंगे. ओके, सो दैट्स व्हाई वी से sentence, the same repeated sentence 3 times, because we are preparing our subconscious that we are working on this today. And jab uske baad hum dekhte hain, apni intensity check karte hain ki agar mere andar body mein koi pain hai ya kuch bhi, koi disease hai ya jo bhi hai, agar weight loss ko leke mere andar koi is tarah se emotions hai, to main usko surface pe aane dungi, main intensity ko dekhungi. So that time you have to allow yourself. You have to allow your emotions to run. You have to allow your emotions to come out. तो जैसे ही आप अपने emotions को देखते हो आंखें बंद करके, EFT technique जितना आप relax होके करेंगे, इतना ही आपको वो और ज्यादा फायदा करेगा. यानी ये सभी techniques, हम अगर meditation करते या होपोनोपोनो जो भी करते हैं, हम deep breathing करके अपने आप को थोड़ा relax करके फिर हम tapping start करते हैं. So anybody has any questions until now, or we should continue with the practice for this health, apni vibrant health ke liye aaj hum EFT karenge. Ke hum apni vibrant health ko kaise apni life mein invite kar sakte hain aur kaise usko hamesha barkarar rakh sakte hain. Okay, so let's continue. So let's start with base sentences. First we will repeat base sentences. Just for our subconscious mind के हम इस पे आज काम करने वाले हैं, to let it know. जब भी हम body के लिए कुछ भी करते हैं, हम अपने आप को जितना prepare करते हैं, इतना ही body is expecting that, expecting to release all those emotions. तो जितना हम अपने, आप सबको पता है राजन सर के साथ रह के अभी, कि किस तरह से हमारा mind कितना powerful एक मन वो है, यंत्र है,
और जितना हम अपने थॉट्स को जितना हम अलाइन करते जाएंगे इतना ही हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट अवर EFT ऑन हेल्थ टुडे. सो इवन दो आई डोंट फील परफेक्टली हेल्दी राइट नाउ, Alifa, can you do it in Hindi? Can you do it in Hindi? Because a lot of people... Haan ji, haan. Okay. Possible. I will try my best to continue. Thank you. Haan ji. So, abhi mujhe feel ho raha hai ke meri perfect health nahi hai. Phir bhi main apne aap ko puri tarah se deeply and completely apni dil ki gehrai se apne aap ko प्यार करने का अपने आप को स्वीकार करने का चुनाव करती हूँ. मैं इतना अच्छा फील नहीं कर रही हूँ अपनी बॉडी के अंदर फुल्ली हेल्दी. आई एम नॉट फीलिंग हेल्दी इन माय बॉडी फुल्ली एंड कंप्लीटली बट आई स्टिल चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ. These are our chakarati choke points. यहाँ पे आपको करना है एंड आपको फोर फिंगर्स यूज करनी है यहाँ पे और धीरे धीरे हल्के हल्के से जेंटली आपको टैप करना है. सो इवन दो आई एम नॉट फीलिंग परफेक्टली हेल्दी इन माई बॉडी एंड इन माई माइंड आई स्टिल डीपली एंड कंप्लीटली लव एक्सेप्ट एंड ऑनर माई सेल्फ. Now everybody close your eyes and completely relax yourself. Take few deep breaths. अभी जैसे हेल्थ के बारे में हम ले रहे हैं, जैसे ही हमने बोला कि हेल्थ के बारे में कि हम अच्छा नहीं फील कर रहे हैं तो आपके आपके सरफेस पे क्या इमोशंस आ रहे हैं? Are you feeling fully healthy? और कहीं ना कहीं पे आपके अंदर वो इमोशंस है जो आपको सरफेस पे आने देने हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट अवर सीक्वेंसिंग कंप्लीटली रिलैक्स योरसेल्फ. And see the intensity. आपको intensity क्या feel हो रही है? अगर body में कोई pain है, तो pain की intensity क्या है? So when I married, he has got his own flat there. तो दादा का से चलेगा. Like who? Please mute yourself, everybody. Okay. So yeah, let's see what is the intensity. उसको अगर आप कर सकते हो तो यू कैन नोट द इंटेंसिटी फ्रॉम 1 to 10. आपकी इंटेंसिटी 7 है, 8 है, 6 है, जो भी है आप अपने मेंटल उसका नोट कर लीजिए. एंड लेट्स स्टार्ट अवर सीक्वेंसी. वी विल स्टार्ट विथ अवर आईब्रो पॉइंट्स फ्रॉम हियर एंड वी विल कंटिन्यू ऑल द पॉइंट्स. आई विल शो यू विच आर द पॉइंट्स. दोज आर 9 मेरिडियन पॉइंट्स दैट यू हैव टू टैप इट ऑन. सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट, देन सेकेंड यहाँ पे है, देन थर्ड विल बी अंडर द आईब्रोज, फोर्थ इज अंडर द नोज. यहाँ पे चिन के ऊपर जो ग्रू है वहां पे, जैसे नोज के नीचे भी आज बिल्कुल नोज के नीचे जो ग्रू होता है वहां पे, एंड देन यहाँ पे होठ के नीचे जो एक खड्डा जैसा आपको लगेगा वहां पे, एंड देन यहाँ पे जो हमारा कॉलर बोन होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे कॉलर बोन है, जो हड्डी होती है उससे 1 या 2 इंच यहाँ पे आपको टैप इन करना होता है. यानी आप अपने 2 हाथों से भी टैप कर सकते हो या 1 हाथ से भी कर सकते हो, डजंट मैटर. आप कहीं पे भी टैप इन करोगे एनर्जी अपने आप रिलीज होना चालू हो जाती है. तो दैट इज अनदर पॉइंट. एंड एक होता है यहाँ बिल्कुल बगल के नीचे यहाँ पे जहाँ पे स्ट्रैप होता है लेडीज का, वहां पे बिल्कुल वहां पे टैप इन करना है. एंड देन जो हमारा एक क्राउन चक्रा का जो सेंटर, ये बिल्कुल मिडल में जो होता है, अगर आपको नहीं समझ में आता है कौन सा मिडल है तो आप ये ईयर को लेके यहाँ पे बिल्कुल बीच के अंदर,
So this is our crown chakra wala jo point hai wo hai. So let's start. तो अभी सबको पता चल गया ना कौन कौन से पॉइंट्स है जिस पे हमें टैपिंग करना है. एंड यू कैन यूज योर टू फिंगर्स थ्री फिंगर्स, हल्के हल्के से आप टैप करते जाइए. जितना टैप करते जाओगे इतना ही रिलीज होता जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो इवन दो आई एम नॉट फीलिंग फुल्ली हेल्दी एंड वाइब्रेंट इन माय हेल्थ, मैं पूरी तरह से अपनी हेल्थ में एनर्जेटिक हेल्दी या वाइब्रेंट फील नहीं करती हूं, तो भी मैं अपने आप को पूरी तरह से प्यार करने का, स्वीकार करने का चुनाव करती हूं. और अपनी लाइफ में वाइब्रेंट हेल्थ को मैं इनवाइट करती हूं. Even though I have this beliefs about my body, जो भी मेरी beliefs है, मेरे subconscious के अंदर जो beliefs है, वो सारी beliefs को आज मैं जाने देने का चुनाव करती हूँ. एक बिलीफ ये हो सकती है कि 40 के बाद घुटने में दर्द होने लगता है, या 60 के बाद तो बॉडी के अंदर सब कुछ ही काम करना धीरे धीरे कम हो जाता है, ऑर्गन्स हमारे काम करना बंद कर देते हैं धीरे धीरे धीरे, या इतने एफिशिएंट नहीं होते. ऐसी कोई भी बिलीफ्स को आज में पूरी तरह से जाने देती हूं. मैं ऐसी लिमिटेड बिलीफ्स को जाने देती हूं जो कहीं ना कहीं पे मेरी एनर्जीज को ब्लॉक करती है. मैं ऐसे इमोशंस को जाने देती हूं जो मुझे वाइब्रेंट हेल्थ या फुल हेल्थ में जाने से रोकते हैं. मैं ऐसे सारे इमोशंस को जाने देती हूं. और मुझे पता है कि मैं जो इंस्ट्रक्शंस अपनी बॉडी को देती हूं, मेरी बॉडी उसी इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है. तो जो भी नेगेटिव इमोशंस है मेरे अंदर, पेन को लेके या बॉडी के अंदर जो भी तकलीफें हैं, उसकी मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूं. कहीं ना कहीं पे कोई इमोशंस है जो मुझे नहीं पता कौन से इमोशंस है, बट आई अलाउ माई सेल्फ टू रिलीज दोज इमोशंस राइट नाउ. I give myself permission to release those emotions. जो भी मैंने पकड़ के रखा है, जो भी I am holding on to, मैं अपने आप को आज ये permission देती हूँ वो सारे blockages को, वो सारे resistance को जाने देने की. मैं अपने आप को permission देती हूँ. जो भी ब्लॉक्स है उसको मैं जाने देती हूँ पूरी तरह से. और अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करने का, प्यार करने का चुनाव करती हूँ. जितना मैं अपनी बॉडी को, अपनी एक एक सेल जो ट्रिलियन सेल्स है उसको मैं जितना प्यार देती जाती हूँ, इतना ही मेरी बॉडी
मेरे एक एक ऑर्गन्स मेरे सेल्स ऑप्टिमम हेल्थ की तरफ जाते जाते हैं दे मूव टुवर्ड्स माय ऑप्टिमम हेल्थ सो आई रिलीज द रेजिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ माय सेल्स from my fibers, my tissues, I release the resistance. And I allow myself to fully relax. मैं जितना अपने आप को relax करती जाती हूँ, इतना ही मेरी body, मेरी health, vibrant होती जाती है. I allow the intelligence of my body to work optimally to heal myself. मैं अपनी ही body की intelligence को अपनी body को heal करने के लिए allow करती हूँ. और जितना मैं ये divine power को सौंप दे देती हूं उतना ही वो ऑप्टिमम हेल्थ की तरफ रिटर्न होते जाता है इन द वाइब्रेंट हेल्थ एंड वाइब्रेंट बॉडी इज माय बर्थ राइट एंड आई क्लेम इट टुडे And I choose to love my body the way it is. मैं अपने एक एक सेल को अपने एक एक ऑर्गन्स को इतना प्यार देती हूँ मैं अपने खुद का इतना सम्मान करती हूँ मैं जैसी भी हूँ वैसे अपने आप को स्वीकार करती हूँ And allow the divine power to do the rest. I'm perfectly healthy, perfectly energetic. I am vital in my health. And so it is, and so be it, so be it, so be it. So yeah, now look at the intensity जो आपने पहले देखी होगी intensity और EFT का tapping करने के बाद किसी को भी कोई फर्क लग रहा है किसी भी body के उसमें are you feeling better after doing the EFT tapping? Yeah, vibrations आ रहे हैं good vibrations. Okay, okay. I am feeling floating myself. Oh, that's nice. That's amazing. Yeah, my big ball. Thank you, Alifia. Thank you. Thank you, thank you, thank you, Alifia. Bahut acha laga. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Alifia. Thank you so much. Thank you, Alifia. Thank you so much, Alifia. Thank you. Thank you so much, Alifia. You are awesome. Thank you so much, Alifia. Thank you so much, Alifia. Thank you so much, Alifia. Thank God for so much clarity. If you can send your instructions to audio, then send it. Okay. Yes, it was awesome. I don't understand. What is the instruction? Friends, affirmations. Affirmations. Right. Now you gave... giving instructions to the body. Nice. So, we can play your body and do this exercise, you know. किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो हम EFT के बारे में क्वेश्चंस भी ले सकते हैं अलिफिया मैम मुझे थोड़ा झपकी आ रहा था हाँ वो एकदम कॉमन है दैट इज अ गुड साइन एक्चुअली अगर आपको नींद आ रही है आपको या जोनिंग हो रही है EFT के दरमियान Good sign. It is working. That is how the emotions are releasing. Yeah. So that's the good. Yeah. Thank you so much. Alifia, आपने affirmation में कितनी बार use करने का? तो यानी आप देखो मैंने थोड़ा elaborate way में करवाया. आप कोई भी emotion को लेके ऐसे ही tapping कर सकते हो. मान लो अभी मुझे pain है.
तो मैं कैसे करूंगी. आई हैव दिस पेन इन माई बॉडी ऐसे करके फिर देन यू सी कि आई चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ. आई चूज टू लव एंड ऑनर माई सेल्फ. आई चूज टू लव एंड रिस्पेक्ट माई बॉडी. इस तरह से आप कर सकते हो जितना अपनी बॉडी को. अभी भी बहुत कुछ आप बोल सकते हो कि आई लिसन टू माई बॉडीज मैसेजेस. ये भी आप बोल सकते हो कि मैं अपनी बॉडी को अच्छे से सुनती हूँ. वो जो भी बोलना चाह रही है मैं उसको सुनती हूँ या उसको जो भी चाहिए वो मैं देती हूँ ऑप्टिमम हेल्थ में आने के लिए. तो ये सारे एफर्मेशंस भी आप बोल सकते हो उस टाइम पे. ये कोई पर्टिकुलर एफर्मेशन की जरूरत नहीं है. जैसे जैसे आप टैपिंग करते जाओगे अंदर से ही कुछ इमोशंस आते जाते हैं उसको आप रिलीज करते जाओ कि हाँ ये पेन है. अलिफिया मैम आप ओनली वन पार्ट ऑफ द बॉडी के लेफ्ट वाला पार्ट नहीं किए तो हमें एक ही साइड पे करना है ओनली विथ राइट हैंड. हाँ कोई भी साइड पे कर सकते हो. ऐसा कोई इट्स नॉट कंपलसरी कि दोनों साइड. नो इट्स नॉट. ओके थैंक यू. कोई भी साइड पे कर सकते हो. हम तो दोनों हैंड फ्री है तो दोनों हैंड से नहीं करना चाहिए. दोनों हैंड से भी कर सकते हो. देखो यहाँ पे मेन पर्पस क्या है. मेन पर्पस इज टू रिलीज द इमोशंस. तो जैसे जैसे हम कोई भी एक भी पॉइंट पे टैपिंग करते जाते हैं वो अपने आप अंदर से रिलीज होते जाते हैं इमोशंस जो भी है. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको इस तरह से ही करना है या दो हाथों से ही करना है. नथिंग इज लाइक दैट. बस आपको मेन पॉइंट है कि टैपिंग करना है ये सारे पॉइंट्स के ऊपर जो मेरिडियन पॉइंट्स बोलते हैं. कितनी बार करना है मैम. दिन में कितनी बार करना है इसको. दिन में आप एक्चुअली कितनी भी बार आपको लगता है कि हाँ मुझे रिलीफ चाहिए या आपको लाओ दो उसको है और आपको लगता है कि यू नो ये करने से मुझे फायदा हो रहा है तो कितनी बार भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं. जैसे मैंने बोला मैं कभी कभी ऐसे ही मैं कहीं पे हूँ बाहर हूँ मैं कार में हूँ ड्राइव कर रही हूँ और फिर मैं कहीं पे मुझे लगता है मैं कहीं डेस्टिनेशन पे पहुंची और मुझे लगता है कि मुझे वो वाला इमोशन रिलीज करना है तो फिर मैं 5-7 मिनट टैप इन कर लेती हूँ कहीं पे शांति से पार कर. So I'd really like to thank Alifia for coming for a wonderful session. Thank you so much. And I know it's night time for Alifia. So really thank you so much for staying up for us. And we have last 1 minute. If there's any one question then we can take or we'll just close the session for now. Thank you yes, so much. Ma'am. Thank you so ma'am, much, Alifia ji. I want to ask that it will work on tooth pain also. Yes, it works on any pain. जो भी pain है कोई भी pain पे अच्छे से काम करता है. मैम पहली बार left side पे किया समझो right hand से किया left side and then बोलते बोलते आपने फिर दूसरा side लिया दूसरा hand it's okay. हाँ आराम से interchanging right. Yeah you can change and you can change it anytime. Okay so, thank you so much. Well release weight के बारे में चलेगा. वेट के बारे में चलेगा. वेट लॉस के बारे में भी लेंगे एक दिन. एक yes. जब लास्ट डे पे हम वेट लॉस के बारे में भी करेंगे. थैंक यू. अगर इमोशनल कोई प्रॉब्लम है मैम अगर बॉडी पेन नहीं है इमोशनल लेवल पे कुछ करना है तो टैपिंग. हाँ हाँ ये ऑफ कोर्स यानी ये तो आज हमने हेल्थ के लिए किया था इसलिए हमने बॉडी पेन या इस वो सब चीजों के लिए किया. बट कोई भी इमोशंस है आप उसके साथ रिलीज कर सकते हो. मान लो कि जैसे यहाँ पे जो रिसर्च होती है तो इसमें पता चला कि लाइक एक मैं जो सेशंस देख रही थी तो उसमें एक लेडी थी उसको पेन मतलब उसको पेन था बॉडी में बट इमोशन उसके पीछे क्या था उसको फिर पता चला कि लाइक उससे अपने भाई मतलब वो अपने भाई के साथ जा रही होगी और उससे एक्सीडेंट हो गया था और उस वो एक्सीडेंट कार एक्सीडेंट के अंदर उसका भाई मर गया था और उसने वो इमोशनल बर्डन अपने अंदर रखा हुआ था. तो जैसे ही उसने उसके ऊपर टैपिंग करना स्टार्ट किया अपने आप को माफ करना स्टार्ट किया और वो ऐसे इमोशंस जिस तरह से रिलीज करती गई अपना अपने आप उसके जो राइट हैंड के अंदर कुछ पेन था वो अपने आप चला गया धीरे धीरे जितना वो टैपिंग करती गई. ये मैम ड्यूरिंग टैपिंग हमें रियलाइज हो जाए कि हमें किस वजह से हो रहा है या ये इमोशंस हमें किस वजह से है.
कभी कभी आपको रियलाइज हो जाएगा टेपिंग करते करते ही वो इमोशंस आके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रोना भी आ रहा है यू नो वो इमोशंस की वजह से, बट आप टैपिंग करते जा रहे हो, आप रिलीज करते जा रहे हो एंड देन आपको धीरे 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 अंदर से आ भी रही है, कोई कोई चीजें याद भी आ रही है उसी टाइम पे, तो उसपे भी आप टैपिंग करते जाओ कंटिन्यूअसली करते जाओ, जब तक आप अंदर से थोड़ा सा इंटेंसिटी कम ना फील करो तब तक आपको टैपिंग करते जाना है, यानी 5-10 मिनट्स, जब तक आपको लगता है कि नहीं आई एम नाउ आई एम फीलिंग पीसफुल, तो जब तक आपको पीसफुल फील नहीं होता तब तक आप कर सकते हैं. हेलो मैम, बॉडी वेट के लिए कैसे कर सकते हैं? We have a session on body weight that will come on day 5. So thank you so much, Alifia, and I'll close the session now. Thank you so much. We'll all meet tomorrow. Thank you so much. Thank you. So how do I close? Alifia, can you close the meeting? Yes, I will close. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Alifia. Thank you. Thank you, Alifia. Thank you, Alifia. Thank you.